तो अस्सलाम वालेकुम यार। चलो यार शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग ये है कि आज हमने साथ साथ बकरियां चरानी हैं और साथ साथ हम आपको कुछ चीज़ों का विज़िट कराएंगे, मतलब सब्जियां वगैरह आप दिखाते हैं। चलो यार शुरू करते हैं यार। चलो यार हम अब जा रहे हैं बकरियों की तरफ। बकरियां हमने पहले खोल के रखी हुई थी। ये भाई यार आपको कहा था ना साथ साथ हम विज़िट कराएंगे आपको कुछ सब्जियों का। ये लगा हुआ प्याज फिलहाल पर बकरियों में कुछ करते हैं, फिर आपको सही तरह इसको दिखाते हैं। भले इसके पीछे हमने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। पहले बकरियों में कुछ करते हैं। बकरियों में काफ़ी देर हो गई छोड़ी हुई हैं। इधर सारी सब्जियां सारी लगी हुई हैं ना, इसीलिए सब्जियां भी लगी हुई हैं तो साथ फिर बकरियों को एक साइड पर रखना है हमने। ये हमारी सारी बकरियाँ जो चार रही हैं अभी। ये तकरीबन मुझे घंटा हुआ छोड़ गया हूँ। हमारी बकरियों की ये अच्छी बात है कि चढ़ते वक्त कहीं जाएंगे नहीं, पट्ठों की सीधी नज़र होगी। ये हमारा लेला माशाल्लाह इस बार ईद में देना है, ईद पास ही है। ये और भी बस 13-14 दिन आ जाएंगे, फिर रमज़ान आ जाना है। तो ये सारी बकरियां हमारी चार रही हैं इधर। ये देखें भाई ये सारी बकरियां। तो अब हम इतनी देर जितनी देर चार रही हैं इतनी देर मैं आपको सब्जियों का विज़िट करा दूं। तो ये हमने लगाई हुई है सरयां। ये आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ मैं। ये होती है सरयां, ये होता है साग। ये जो हम सरों का साग जिसको कहते हैं ना, ये वो साग लगा हुआ था। अब तो इसका सीज़न चला गया इसीलिए सूखा हुआ सारा। तो ये माशाल्लाह सारा ये थूम लगा हुआ है, ये सारा थूम है। उसके बाद मुझे आगे बाहर चढ़ा है, उसी वजह से मेरे से सीधा बोरा नहीं जा रहा। ये पालक थी जो मैंने अभी काट कूट के फारग कर दी हुई है। तो ये सारी इसमें बूटी छूटी लगा हुआ है और साथ में इसमें लगा हुआ क्या लगा हुआ है, मैना लगा हुआ है। बकरियों के खाने का घास होता है ये, वो हमने साथ में लगाया हुआ है। उसके बाद जी इधर बस यही लगा हुआ है कुछ, आगे बस गन लाई है बकरियों के खाने का। ये क्योंकि अब सीज़न तो आउट हो रहा है, ये सारा ये सब्जियों का अब आ रहा है, दूसरी चीज़ों का अब सीज़न आ रहा है। तो इतनी देर हम आपको दिखाता हूँ। ये प्याज है, वो थूम था और ये प्याज हमारा लगाया हुआ है। इसके भी पीछे हमने स्ट्रॉबेरी आपको मैं दिखाता हूँ कितने अच्छे तरीके से लगाई गई है। यार ये देखना बस आप, अब ये देखो बस, ये बीच बीच में इसके स्ट्रॉबेरी लगी हुई है सारी, नज़र तो आ ही होगी आप सबको। सबर मैं आपको ना करीब से जाके दिखाता हूँ। ये सारी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही फसल, बड़े अच्छे तरीके से लगाई गई है। ये देखें जी ये स्ट्रॉबेरी है, ये नज़र आ ही रही होगी, ये सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। ये जो इसके बीच बीच नहीं है देखें, ये स्ट्रॉबेरी है, ये सब स्ट्रॉबेरी है जो इसके बीच थूम सा लगाया हुआ है। अभी हमारी बहुत सी सब्जियां, अभी तो हमने आपको डेरे का भी अपना विज़िट कराना है। आस्था से आपको हर चीज़ दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। जो गाँव में जो कुछ होता है आपको सब मिल दिखेगा यहाँ में। वो कहते नहीं सब मिलेगा, सब कुछ दिखेगा यहाँ में। तो चलो यार इनको बहुत भूखी यार भैंसे हमारी बकरियाँ हुई हैं। देखें कैसे तलंके लगी हुई हैं, तलंके मतलब भी बड़ी सूखी हुई हैं, मतलब खा रहा है इन्होंने खाया नहीं हुआ तो सूख गए हैं। टिड्डी निकाल जा रही है अभी तक, बहुत बेचारी ना। तो अब बकरियों को लेके चलते हैं इधर से किसी और जगह में, इसको रवाना करते हैं किसी और जगह में। चलो यार जी हमारी बकरियाँ रवाना हो चुकी हैं, अब हम इनको किसी और जगह में लेके जा रहे हैं। देखो फिर कैसे इनका पेट भरता है। अब मुझे तो आज पता नहीं भरेगा भी कि नहीं। इधर नहीं लग जाना, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, हमें कनक लगी हुई है। ओए ये बड़ी चावल बकरी है कसम से हमारी, सबसे जो पहली बकरी थी ना ये ही चावल थी, झूठ जी ना होए थे। चलो यार इधर खुला पट्ठा जे भाई, इधर सारी बकरियां रह जानी है, टेंशन नहीं लेनी हूँ। चलो भाई टोड़ो भाई, इन्हू की होया इन्हू वाशरूम लग गए। चलो अब यहाँ में चारते हैं इनको बकरियों को, तो देखते हैं क्या सागता है रचती हैं कि नहीं। काफ़ी यहाँ में घास लगी हुई है यार। चलो यार चलो चुगो 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 मेरी बकरियों। चलो यार अब चैग चुग देंगी ना तो तब मैं आपको दिखा दूँगा कैसे की बकरियाँ हुई हैं, ठीक है अभी। चलो ठीक है। चलो यार हमारी बकरियाँ अभी इस टाइम फुल राज गई, अब घर की तरफ जा रही हैं और आज का हमारा वो लोग टना टन हो गया। तो चलते हैं यार, ये मैं द्वार के ऊपर खड़ा हूँ एक मिनट।